सो भाई जैसे तैसे करके मैंने आपको लोको कपलिंग दिखा दी, अब आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। और ये है सेकंड सीटिंग जो कि पूरी खाली पड़ी है, इसमें टोटल 6 कोचेस लगते हैं। टोटल 6 कोचेस लगते हैं इसके सेकंड सीटिंग के और 30 के 3 कोच। सेकंड सीटिंग दिखा दिया, अब ये सेकंड एसी है। थोड़ा इसका व्यू भी देख लो, टू बाय टू की सीटिंग अरेंजमेंट है, दो सीटें इधर, दो इधर और दो इधर। इसमें ये आपको एक्स्ट्रा फीचर मिला हुआ है और बाकी सब चीज़ें सेम है। वॉशरूम देख लेते हैं, वॉशरूम तो भाई साहब हमारी गली से तो अच्छा नहीं है, मतलब अपना कुछ नया है। मीन्स अपना कुछ नया है तो ये हमारे को प्रॉफिट मिला। ये आ गया हमारा B1। Sharp 5:45 और हम निकल चुके हैं अमृतसर जंक्शन से। और बारिश भी देख लो बहुत हुई है यहाँ पे। चलो 1 घंटे बाद अभी हमारी ट्रेन यहाँ से निकली और बारिश भी रुक गई है, अच्छी बात है। मैंने तो सोचा था शायद बारिश की वजह से मैं ब्यास और जलंधर कवर नहीं कर पाऊँगा। और ये बांद्रा अमृतसर क्लोन ट्रेन जो कि पश्चिम एक्सप्रेस की क्लोन है, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स जलंधर सिटी। और उसके बाद फिर हमारा लोको चेंज होगा, वो लगेगा फिर से पीछे साइड में और फिर हम जाएंगे फिरोजपुर साइड।
पे बात कर रहा था। ब्याज सेक्शन वैसे भी ऑलरेडी मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूँ, और उसका स्टेशन कोड BEAS है, और ये मतलब इतना क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है कि इसके पास भर भर के बैग रखे हुए हैं अवार्ड से। और फिलहाल का जो ब्यास रिवर है उसके व्यू को एंजॉय करो। डिपार्चर में इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि TT सर आ गए थे, वो नाम वगैरह पूछ रहे थे, सीट वगैरह, ये अमृतसर में चेंज हुए हैं। आप व्यू एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ जलंधर सिटी में आपसे। दिनों बाद आ रहा हूँ मैं इस स्टेशन पे। कौन सा कैमरा आपके पास? GoPro एक्शन कैमरा। एक्शन कैमरा है, और इसमें से कैसे वीडियो निकालेंगे? लैपटॉप के। और बात करें इस जलंधर सिटी जंक्शन के बारे में, तो इसका स्टेशन कोड है JUC, और ये सर्व करता है जलंधर को। और पंजाब का ये जलंधर स्टेशन एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये पड़ता है अंबाला अटारी लाइन पर, जो कि मेन लाइन है। और यहाँ से 3 लाइनें क्रॉस होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया अंबाला अटारी लाइन,
सेकंड है जलंधर जम्मू लाइन और थर्ड है जलंधर फिरोजपुर लाइन जिस पर हम अभी पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारा लोको रिवर्स होएगा, उसके बाद यहाँ से हम फिरोजपुर साइड पर जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म हैं, इनमें से 2 टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे नॉर्मल DMU पैसेंजर ट्रेनें स्टॉप होती, और जिस लाइन पे अभी हम बढ़ने वाले हैं यानी कि फिरोजपुर जलंधर फिरोजपुर लाइन पर जो कि ब्रांच लाइन है, इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1912 में, और इंडिया का सबसे पहला और लार्जेस्ट DMU शेड आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको टोटल 90 यूनिट DMU लोकल ट्रेन्स के देखने को मिल जाएंगे, और ये पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। और रेल बस के बारे में आपने सुना ही होगा, और तो जलंधर उस रेल बस का हाउस भी है, और इस DMU शेड को अब MEUME यानी कि इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन के शेड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, और 2 न्यू रेक्स मेमू ट्रेन के जलंधर शेड को अलॉटेड भी कर दिए गए हैं। जर्नी जरूर करनी पड़ेगी, फिर जाएंगे हावड़ा। आप भैया हमारी ट्रेन को निकालो, देखो रेड सिग्नल ही अभी तक शायद दिख रहा हो, और ये टायर्स देखो
शांति है, तो यहाँ के कुछ ट्रैक साउंड से इंजॉय करना आप। वैसे भी अब कुछ दिखाने लायक तो होगा नहीं, तो अब मैं यहाँ के बाद सीधा अगर हो सका तो अब आपको सीधा फिरोजपुर में मिलूँगा, क्योंकि रास्ते में सही में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अंधेरा हो जाएगा। अब वैसे कोई बात नहीं, हाई स्पीड स्कीप जरूर दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन वो शायद अंदर से दिखाऊँ कि मैं बहुत थक चुका हूँ। सुबह से मैं बार बार दौर पे आके वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, फिर भी आप लोग लाइक तो करोगे नहीं। चलो मैं मिलता हूँ आपसे फिरोजपुर में, अब तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और टेक केयर। और ये हम अभी बढ़ चुके हैं फिरोजपुर लाइन की तरफ, और ये भी सिंगल लाइन है, आप सिर्फ ट्रैक साउंड को ध्यान से सुनना और फील करना उसे। आप बस ट्रैक साउंड को फील करना, RCF कपूरथला। आपने देखे होंगे कोचेस जो वो यहीं पे बनाए जाते हैं, RCF मीन्स रेल कोच फैक्ट्री। और अभी भी हमारी ट्रेन का सिग्नल ग्रीन है, फिर भी पता नहीं क्यों स्लो हो गई थी। मैंने सोचा आपको ये स्टेशन स्कीप करा के दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि रात का तो कुछ भी व्यू दिखाया ही नहीं। अभी हो रहे हैं 10:30 और हम आ चुके हैं फिरोजपुर कैंट में, और वैसे तो एक घंटा पहले हमारी ट्रेन आ गई थी, तो मैं नींद में था इसलिए मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, शायद वहाँ स्टॉल खुला हुआ है। तो फिरोजपुर के तो यार मैं अभी जो नेक्स्ट जर्नी करूँगा ना उसके बारे, जो फिरोजपुर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट जर्नी में बता दूँगा।
और यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो आई होप आपने यहाँ तक वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा जर्नी का पार्ट अच्छा लगा और कौन कौन सी जर्नी और करनी चाहिए, किस रूट पे करनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यार अभी तक तो मैंने फिरोजपुर तक ही जर्नी की है, अगर मौका मिला तो इस ट्रेन की जर्नी एंड टू एंड कभी करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास मतलब टाइम भी नहीं था और ऐसी सिचुएशन भी ठीक नहीं है कि मैं अहमदाबाद जाऊँ, क्योंकि वह वहाँ पे केसेस कुछ ज़्यादा ही हो रखे हैं, तो अभी रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। जितना हो सके लोकल ट्रैवल करो, और मैंने आज आपको इतना मतलब बिल्कुल मतलब एक तरह से कहो तो राउंड ट्रिप ही करा दी। एक कल अगर मैं ये एक जर्नी और कर देता हूँ तो ये बिल्कुल राउंड ट्रिप जैसी हो जा रही है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जर्नी कैसी लगी। और इस ट्रेन में मेरा जर्नी एक्सपीरियंस एकदम बेस्ट था और ऑलमोस्ट ट्रेन बिल्कुल खाली थी तो कंफर्ट ही फील हुआ, मतलब कुछ बेकार सा नहीं लगा। और मैंने अभी जहाँ तक पूछा है तो ये ट्रेन ऑलमोस्ट खाली रहती है, बस उधर से आते टाइम भरी रहती है। तो अब हमारी ट्रेन यहाँ से जा चुकी है, बाय करते हैं। और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है और पूरे रास्ते में कुछ नहीं मिला, ये सारा कोविड सिचुएशन की वजह से हो रहा है। आप समझ सकते हो अगर आप जर्नी पे निकल रहे हो तो घर से खाना वगैरह लेकर ही निकला करो अभी।